नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। यहां पे देखिए बड़ी खबर पल्लवी पटेल के हवाले से आ रही है और राजा भैया के हवाले से आ रही है। पल्लवी पटेल जो कि देखिए इस वक्त सपा के साथ इनकी पार्टी का गठबंधन है, पल्लवी पटेल की पार्टी का नाम है अपना दल कमीराबादी। अब देखिए यहाँ पे पल्लवी पटेल के पिता सोनेलाल, यानी कि सोनेलाल पटेल जिन्होंने अपने दल की स्थापना की थी, तो उनकी हत्या हुई थी 2009 में जब मायावती की सरकार थी। और अब देखिए कि वो तब से ही, यानी कि उनकी माँ जो है पल्लवी पटेल की माँ, वो तब से ही देखिए अपने पति की और पल्लवी पटेल अपने पिता की मौत को देखिए एक साजिश के तहत, अगर मैं साफ सीधे आपसे बात करूं तो साजिश के तहत, और मायावती पर देखिए काफी बड़े बड़े आरोप लगाते हुए लगातार देखिए सीबीआई जांच की मांग करती रही है। और उन्होंने पिछले महीने भी सितंबर में भी देखिए धरना दिया था अयोध्या में, और इस बार भी देखिए कल शाम को देखिए बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पे जो पल्लवी पटेल है उन्होंने लखनऊ में देखिए अपनी माता के साथ और अपने समर्थकों के साथ, अपने दल के समर्थकों के साथ देखिए यहाँ पे काफी बड़ा धरना दिया था और सीबीआई जांच की मांग की है, ये भी देखिए उन्होंने बताया था। और साथ साथ ही देखिए यहाँ पे काफी आरोप लगाए हैं पिछली सरकारों पर, क्योंकि उन्होंने सोनेलाल पटेल, क्योंकि देखिए सोनेलाल पटेल जो थे वो अपने काफी बड़े नेता माने जाते थे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे मुलायम सिंह के साथ भी थे, वहां पे मायावती के साथ भी थे, लेकिन कुछ अनबन हो गई थी उसकी वजह से देखिए मायावती के साथ छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद 2009 में देखिए अज्ञात लोगों ने देखिए उनके हत्या कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ये बात पल्लवी पटेल बोल रहे हैं, लेकिन सरकार जो बोल रही है कि जो उनकी मौत हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। तो इसलिए सीबीआई जांच की मांग देखिए पल्लवी पटेल करवा रही है अपनी माता के साथ, और अपना दल कमीराबादी जो कि पल्लवी पटेल की पार्टी है वो लगातार देखिए धरने प्रदर्शन करती रही है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मायावती की हो, किसी ने भी, चाहे योगी आदित्यनाथ की क्यों ना हो, किसी ने भी सोनेलाल पटेल की हत्या को देखिए सीबीआई के लिए पास नहीं पहुंचाया, क्योंकि राज्य के पास भी देखिए एक सौदा होता है जो कि सीबीआई की जांच मांग कर सकते हैं। लेकिन पल्लवी पटेल लगातार ये बोलती रही कि देखिए मुझे अपने पिता का के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं सुनी। अब देखिए कि वो लखनऊ में दोबारा धरना दिया था, अब होता क्या है ये देखना होगा। बहरहाल देखें यहाँ पर राजा भैया जो है, बड़ी खबर ये आ रही है कि राजा भैया लखनऊ में पल्लवी पटेल के साथ मुलाकात कर सकते हैं कल शाम को, और यहाँ पे यानी कि 19 अक्टूबर को यहाँ पे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अपनी पार्टी जन सत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता जो है लखनऊ में उनसे मिलने जाएंगे, और साथ ही साथ पल्लवी पटेल भी लखनऊ में, तो हो सकता है कि देखिए उनकी मुलाकात हो जाए और पल्लवी पटेल अपने पिता के लिए समर्थन मांगने का प्रयास भी देखिए कर सकती है राजा भैया से, क्योंकि राजा भैया की बात योगी आदित्यनाथ सुनते हैं। राजा भैया देखिए उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता है जिनका उत्तर प्रदेश में रसूख बहुत है, बाहुबली नेता है, 1993 से देखिए लगातार जीतते आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पल्लवी पटेल अब राजा भैया का रुख कर सकती हैं योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने में, और योगी आदित्यनाथ वही बात देखिए केंद्र के पास पहुंचाएंगे जो कि सीबीआई की जांच करवा सकती है सोनेलाल पटेल की हत्या पर। अब देखना होगा कि यहाँ पे कि कौन किसका साथ देता है, क्या सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी, पल्लवी पटेल क्या अपना यानी कि अपने पिता का हत्यारों का देखिए बदला ले सकती नहीं ले सकती, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।